नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी 2.0 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं CHO 2020 के रिगार्डिंग, यानी CHO 2020 2020 में आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट में दो गुने अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ये आपके लिए सबसे बड़ी दुविधा है। क्यों दुविधा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक भी ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि हमारा परिणाम आएगा या नहीं, यानी हमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि आधे आधे स्टूडेंट, यानी आधे स्टूडेंट तो बाहर होने और आधे अंदर आने। अब इसमें जिनको 80 के ऊपर लगभग है, जिनको तो कंफर्म है कि हमारा नंबर कम श्योर है आ जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी भी ये लग रहा है कि हो सकता है हमें बाहर निकाल दिया जाए। और जो बिल्कुल किनारे पर, उनको तो श्योर है कि हमें तो बाहर ही निकालना है। लेकिन जो कन्फर्म है, जिनको शामिल किया जाना है, उन्हीं को लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी की जा चुकी है। और ये डेट कब है? ये आपको 30 जनवरी 2021 तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, ठीक है। अब ये आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी, आने वाले अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो बात करते हैं कि 30 जनवरी 2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट की जानी है, ठीक है। इसके लिए 6 संभाग स्तर पर यह प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। अब ये कैसे की जाएगी, आपको ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है? तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिल्कुल ऑनलाइन करना है। आपको 27 जनवरी 2021 को एक लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन 6 जिला मुख्यालयों पर, यानी 6 संभाग मुख्यालय पर इसका सत्यापन का कार्य किया जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने, कौन कौन से नहीं करने, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। आपको सबसे पहले तो 10th बोर्ड CBSE हो या RBSE, दोनों से संबंधित कोई सा भी आपका बोर्ड रहा हो, उसके आपको एक तो मार्कशीट की आवश्यकता होगी और एक आपको इसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। एक क्या आवश्यकता होगी भी? सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इनमें से आपका कोई सा भी रहा, उसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, तो 10th मार्कशीट और एक आपको इसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जिसने नहीं बनाया, तो आजकल इसके लिए गवर्नमेंट ने, RBSE जो बोर्ड है उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी कर दें कि अब इनको हम कौन से, बिल्कुल डिजिटल लॉकर के माध्यम से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। उसकी क्या प्रोसेस है, यदि आपके कमेंट आते हैं कि उसकी क्या प्रोसेस है, तो मैं आपके लिए इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपके पास ये दोनों सा अभी होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने, जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस समय आपने इसमें मेंशन किया था, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंपलसरी है। दूसरी बात करें तो 12th बोर्ड, ये भी CBSE भी हो सकता है और RBSE भी हो सकता है, RBSE भी हो सकता है। दोनों बोर्ड, दोनों से संबंधित कोई सा भी बोर्ड आपका रहा हो, कोई से भी आपने एग्जाम पास किया हो, आपके पास दोनों की दो चीज़ें वापिस, एक तो सर्टिफिकेट और एक आपके पास इसकी मार्कशीट।
दोनों ये भी होनी अनिवार्य है क्योंकि ये भी आपने फॉर्म में क्या किया है, मेंशन किया है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के भी कमेंट आए मेरे पास, पहले भी आ चुके हैं कि सर हमारे पास तो 10th की मार्कशीट है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो 2004 के पहले, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2004 और 2006, यानी 2006 को माने तो 2006 के पहले जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए उनकी दो चीज़ें अवेलेबल होती थी, एक तो सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट। मार्कशीट छोटी होती थी और सर्टिफिकेट बड़ा होता था, ठीक है। लेकिन 2006 के बाद जितने भी एग्जाम हुए दोनों को एक में ही परिवर्तित कर दिया गया, आपकी मार्कशीट भी उसी में होती है और सर्टिफिकेट भी उसी में होता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको दोनों में से एक पहले तो दोनों मिलेंगे और बाद वाले हो तो आपको दोनों में से एक मिलेंगे। इसके बाद बात करें हम तो आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र? जन्म प्रमाण पत्र। और इसकी अलग से आपको आवश्यकता नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसको किस आधार पर मान लिया जाता है, 10th मार्कशीट को इसका आधार मान लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनना ते हैं। आपने जिस भी कैटेगरी से अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी कमेंट आए थे कि सर हमने फॉर्म भरा, उस समय हमारे पास जो जाति प्रमाण पत्र था वो उस समय का था, और अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा है तो क्या नया बना है क्या? तो आपको बिल्कुल नया नहीं बनाना, आपने जो अपलोड जो उस समय अप्लाई किया था उस समय का आपके पास है तो आपका बिल्कुल वैलिड होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आपके पास क्या होनी चाहिए, GNM या BSc नर्सिंग, इनकी मार्कशीट होनी चाहिए। जिनका GNM है वो GNM की, और जिनका BSc नर्सिंग है BSc नर्सिंग की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आपका RNC का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, RNC का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हमारा RNC का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो गया, पुराना हो गया, और क्या हम अब नया करा सकते हैं? तो बिल्कुल आप नया करा सकते हैं। नया कराने के बाद आपको जो इसकी रसीद मिलेगी उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपके पास होना चाहिए विवाह प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए? विवाह प्रमाण पत्र, यानी आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा जिनका विवाह नहीं हुआ है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अपने अप्लाई करते समय फॉर्म में मेरिड शो किया था, आपने मेरिड के ऑप्शन पर टिक किया था, उनके लिए ये अनिवार्य है। और जिनका विवाह नहीं हुआ उनका बनेगा नहीं, तो उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फोटो ID होनी चाहिए आपकी, दो ID होनी चाहिए, दो आधार हुआ, लाइसेंस हुआ, इधर से आप मान लो पासपोर्ट हुआ, पैन कार्ड, कोई सी भी दो आपके पास ID होनी चाहिए जिनसे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा चुके, ठीक है ना। इनके अलावा पुरानी वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि आपके पास एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इनके लिए मैं आपसे कहूँगा कि इनकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपको जब ट्रेनिंग के दौरान आपका सत्यापन हो चुका होगा तब आपको वहाँ बुलाया जाएगा, तो फर्स्ट बार जब आप जाओगे तब ये दोनों चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। तो ये आपको उस समय बनाना है, ठीक है। जिन्होंने बना लिया
इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बनाया उसकी वैलिडिटी 3 माह होती है। अब 3 महीने जब उनकी वैलिडिटी होती है तो हो सकता है उस समय पुराने हो जाए, लेकिन जब आप नया बनाओगे तो ई मित्र वाला उससे बनाने में आपको बहुत सहयोग करेगा। उससे आप जब नया बनाओगे तो आपका बिल्कुल कम समय में बन जाएगा, ठीक है। इनके अलावा आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 चरित्र प्रमाण पत्र। दो चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गवर्नमेंट राजपत्रित अधिकारी होते हैं, वो आपके दोनों बना देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपने कॉलेज जाओ वहां से बनवाओ, कोई भी राजपत्रित अधिकारी ये आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना सकता है। लेकिन यदि आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो ये एक स्पष्ट निर्देश होता है कि एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो जो आपने लास्ट जो आपकी क्लास रही वो वहीं का वैलिड होता है। तो हो सके तो आप अपने एक जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो अपने विद्यालय कॉलेज जहाँ से भी आप बनाना चाहो बना लेना, ठीक है। तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 30 जनवरी 2021 तक 6 संभाग मुख्यालयों पर होगा। उसके लिए आपको 27 को एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक नहीं भेजा जाता तो आपको लिंक CHO के लिए जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट rajswasthya.nic.in, कौन सी वेबसाइट है? rajswasthya.nic.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर डेली, क्योंकि 27 तारीख कल है, आप यहाँ पर जरूर देखें और इस वेबसाइट पर आप जा कर के इसका आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग यदि आपके कोई और भी कमेंट्स हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, और हो सके जितना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।